नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेड न्यूज। शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। आंगड़िया उगाही केस में यूपी का एक शख्स गिरफ्तार, मुंबई के डीसीपी से हवाले के जरिए रकम लेने का है आरोप। यूक्रेन में जान गंवाने वाले छात्र का शव सोमवार को पहुंचेगा भारत, पिता ने मेडिकल रिसर्च के लिए दान किया शव। बढ़ती गर्मी के बीच मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पानी को तरसे लोग, 300 रुपए तक खर्च करने को मजबूर। कोरोना के नए मामलों में आज भी दर्ज हुई गिरावट, पिछले 24 घंटे में 1761 नए मामले दर्ज किए गए। देश की सियासत साधने की कोशिश में केजरीवाल 2 अप्रैल को भगवंत के साथ अहमदाबाद में करेंगे रोड शो। चक्रवाती तूफान आसनी से निपटने के लिए तैयारी जारी, कई राज्यों में बरपा सकता है कहर। उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सीएम पर सस्पेंस बरकरार, बीजेपी में जारी है माथापच्ची, जल्द होगा नामों का ऐलान। हिमाचल में आपसी झगड़े में जान बचाकर भाग रहे शख्स को नदी में डुबोकर मार डाला, 9 लोग गिरफ्तार। बीजेपी जारी कर सकती है 6 एमएलसी प्रत्याशियों के नाम, कल जारी की गई थी 30 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। प्रतापगढ़ स्टेशन के वेटिंग रूम में महिला यात्री से रेप, पति के साथ ट्रेन का इंतजार कर रही थी पीड़िता। करते हैं अब खबरों की ओर। रायबरेली में आज सुबह कार सवार 5 से 6 लोगों ने वीमार्ट के स्टोर मैनेजर का अपहरण कर लिया है। अपहरण का विरोध करने पर आरोपियों ने वीमार्ट में काम कर रही लड़कियों के साथ मारपीट की, लेकिन कुछ देर अपहरणकर्ताओं ने वीमार्ट के मैनेजर को पैसों का लेन देन कर छोड़ दिया। ये पूरी घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के सुपर मार्केट के पास की बताई जा रही है। सर, हमारे सर, हम जब आए साइकिल हम लॉक खोल रहे थे, बस हमारे मैनेजर जीने तक ऊपर गए, उनको घसीट ले गए और उनको मारने लगे। जब हम 2-3 स्टाफ हम लोग जितने भी थे यहाँ पे उनको छुड़ाने लगे, लेकिन हम लोग को भी धक्का दे दिए सर। सर मुश्किल से 5-5 लोग थे उसमें। और किसको ले गए हैं? हमारे सर मैनेजर SM वीरन तिवारी, असिस्टेंट मैनेजर है वो, किस स्टोर स्टोर वी मार्ट स्टोर के। हाँ, 4 व्हीलर गाड़ी से थे। क्या बजे घटना है? ये लगभग 10 बजे की घटना है। गाड़ी का नंबर मालूम बेटा? नहीं। हाँ पता, पर हमारे एक स्टाफ को पता है, वो है नहीं यहाँ पे। मामला थोड़े पैसे का था, उसी में लेन देन का था, उसी वजह से गए थे, मैंने पैसे उनके वापस कर दिए। कितने पैसे बाकी थे, कौन लोग थे? 50 थे और प्रसाद प्रभात नाम था। 50,000 बाकी थे? जी। आपने आपने लिए थे? जी जी, पर्सनल लिए थे, थोड़ा सा दे दिए, बात खत्म हो गई है। कोई भी मेरा ना उनसे, जब व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है ना उनकी हमसे, सारा पैसे का लेन देन था जो कि खत्म। आज सुबह वी मार्ट के मैनेजर वीरेंद्र तिवारी, पुत्र सुरेंद्र तिवारी, निवासी मलिक मऊ थाना मलेरिया, इनके अपहरण की सूचना कोतवाली पुलिस को प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर दिए गए नंबर पर पुलिस ने संपर्क किया। पुलिस कथित तौर पर अपहरण तक पहुंची, किंतु जो कथित तौर पर अपराध था उनका कहना है कि मेरे साथ अपहरण जैसी कोई घटना नहीं हुई, मैं अपने मित्रों के साथ था, रुपए के कुछ लेन देन का विवाद था जो मैंने सेटल कर लिया, मैं कोई भी कार्रवाई नहीं चाहता। किंतु जो भी CCTV फुटेज है उनके आधार पर जो लोग भी न्यूसेंस क्रिएटर हैं, पुलिस उनको तस्दीक कर रही है और उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से है, जहां पर आज बस और कार के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। बताना चाहेंगे कि इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की उम्र 18 और दूसरे की उम्र 19 वर्ष बताई जा रही है। आपको बता दें कि इस हादसे में ऑल्टो गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं देश भर में होली का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। होली के अगले दिन यानी कि आज पुलिस वालों की होली खेली जाती है। जनता की सुरक्षा में लगे हुए जवान भी अगले दिन होली खेलते हैं और यही वजह है कि उत्तराखंड पुलिस के सभी जवानों ने मिलकर होली खेली और साथ ही DJ के गानों पर जमकर डांस भी किया।
खबर बांदा से है, जहां पर कंचनपुरवा मोहल्ले में फूलों की भव्य होली खेली गई है और इसके अलावा राधा कृष्ण की झांकी सजाकर होली की शोभा को और भी ज्यादा बढ़ाया गया। फूलों वाली होली के दौरान बच्चों और बड़ों को जमकर डांस करते हुए देखा गया। आपको बता दें कि इस होली समारोह में भाजपा नेता सहित महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी शामिल रहे। वृंदावन के हिसाब से यहाँ पे होली मनाई गई है। यहाँ पे बड़े बूढ़े, बच्चे और पुरुष, महिलाएं सभी लोग यहाँ पे आयोजित हैं और यहाँ पे बहुत भव्य शुभ आरंभ यहाँ पे बहुत अच्छी होली मनाई गई है। हमेशा भी मनाई जाती है यहाँ? जी हाँ, यहाँ बहुत अच्छी होली हर साल होती है, पर मैं यहाँ पहली बार आई हूँ तो यहाँ पहली बार देखा है। होली मिलन कार्यक्रम था पूरे देश भर में। आज हिंदू त्यौहार ये सबसे बड़ा त्यौहार होता है। इस तरीके रंग बिरंगे फूलों से यहाँ बहुत भव्यता से मनाया गया और पूरे समाज में, पूरे देश में रंगों का खेल होता है। आपसी सद्भाव बना करके पूरे देश में लोग खेलते हैं और आपसी सौहार्द बना रखते हैं। ये कहाँ पे खेला गया फूलों की होली? कहाँ ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है आज? ये कंचनपुरवा में भगवान कृष्ण की झांकी बना करके और गोपी गोपिकाओं का मनोरम दृश्य बना करके और गुलाब के फूलों से होली खेली गई, जो बहुत ही भव्यता और आकर्षक। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को राजधानी के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूपी के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री अपना पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार शपथ लेगा। योगी के साथ 2 उप मुख्यमंत्री सहित करीब 40 से अधिक मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। शासन ने हजारों लोगों की मौजूदगी में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश में चल रहे विधान परिषद चुनाव में पहले चरण के लिए 21 मार्च और दूसरे चरण के लिए 22 मार्च को नामांकन का अंतिम दिन है। वहीं बताना चाहेंगे कि इसी के मद्देनजर पार्टी नेतृत्व ने 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह रखा है। 24 मार्च को लोकभवन के सभागार में केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह और सह पर्यवेक्षक रघुवर दास की मौजूदगी में योगी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, महामंत्री संगठन बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, साथ ही साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पार्टी के राष्ट्र पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। सरकार की ओर से विपक्षी दलों के नेताओं को भी शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण भेजा जाएगा। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज़।